अनुपमा सीरियल में फाइनली अनुपमा और अनुज एक दूसरे के सामने अपने दिल की बात कहते नजर आ रहे हैं, जहां अनुज अनुपमा के पैरों पर गिरकर उससे माफी मांगता नजर आ रहा है। ऐसे में अब अनुज क्या बताने वाला है और अनुज क्या करने वाला है और अनुज की बातों को सुनकर अनुपमा कौन सा बड़ा फैसला लेने वाली है, इन सारी की सारी बातों को हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन प्रेस कर दीजिए। आप सभी ने सीरियल में देखा ही होगा कि अनुज और अनुपमा मिलकर काफी ज्यादा इमोशनल होते नजर आ रहे हैं, जहां अनुज अनुपमा के पैरों पर गिरकर ये कहता नजर आ रहा है कि वो उसका गुनहगार है। लेकिन अब आप सीरियल की कहानी में देखेंगे कि यहाँ भी अनुज और अनुपमा की बात पूरी तरीके से नहीं हो पाएगी। आप सभी सीरियल में जरूर देख रहे होंगे कि वनराज, माया और बरखा ये तीनों ही किसी प्लान की बात कर रहे हैं और उसी प्लान के तहत अनुज और छोटी अनु को फंसाया गया है, जहां अनुज के पास माया के साथ रहने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। वहीं अगर हम अनुपमा की बात करें तो अभी अनुज और अनुपमा का रिश्ता आसानी से सुधरता बिल्कुल भी नज़र नहीं आने वाला है। आपको माया, बरखा और वनराज में कौन सबसे बड़ा विलेन लगता है, कमेंट में आप हमें ज़रूर बताएँ।